पर करीब करीब 100 पेशेंट को देखा। यस सर। जिसमें सब तरह के पेशेंट थे, तो हार्ट के डॉक्टर हैं ज़्यादा, एक देखा। और हम मुन्ना जी को धन्यवाद देते हैं, एक बैनर के नीचे इतने सारे डॉक्टरों को एक साथ बहुत सारी दवाएं बीमारियों का इलाज कराते हैं। मुझे खुशी हुई है तो पार्टिसिपेट करके, और मैं उन सारे लोगों जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और इस समिति को हमेशा इसी तरह करते रहे, इसका सजेशन लेके जा रहे हैं। और अपनी तरफ से मुन्ना जी को एक बात कर देना चाहते हैं, आज इतने पेशेंट लिखे तो मैंने कुछ टेस्ट लिखे, उस पेशेंट को फ्री हम अपने क्लिनिक में भी देखते हैं और फ्री ECG भी कर देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि साहब इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और जितना फ्रीक्वेंटली होकर इसको करिए, ताकि हम लोग भी अपने ज़िंदगी के कुछ भाग अपने उन लोगों सहयोगी लोगों के साथ उन लोगों की मदद करें जो इक्वली हमारे किसी कारण से हमारे यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, उनको भी आके देख सकते हैं। धन्यवाद। मतलब जो भी पेशेंट का आज आप इलाज किए सर, उनका जांच या अन्य जांच जो होगा वो आपके द्वारा आगे निःशुल्क कराया जाएगा? वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। यस सर, मैं करता हूँ जितने पेशेंट हमने देखा और इसी एडवाइस दिया है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लिनिक में। यस, थैंक यू। इतना बहुमूल्य समय दे रहे हैं सर, कैसा लग रहा है सर? बाहर के नेत्रदान समिति में पिछले लगभग 20 वर्षों से मैं आ रहा हूँ, और लगभग कुछ वर्षों को छोड़ करके हमेशा यहाँ साल में एक बार नेत्रदान के लिए, खास करके कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए कार्ड मरीजों का चुनाव होता है, और साथ में मैं आता हूँ और विभिन्न क्षेत्र के भी डॉक्टर आते हैं और मरीजों का सेवा करते हैं, मरीजों को देखते हैं, स्वाभाविक रूप से आत्मसंतुष्टि होती है। इसमें विशेष का कहना, ये तो सार्वजनिक काम है, और मैं चिकित्सक हूँ और चिकित्सक का धर्म है डॉक्टर मरीज को देखना, कहीं भी रहते हैं तो मरीज को ही देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं यहाँ देखा जा रहा है सर, गरीब लोग आ रहे हैं मुफ्त का, और वो भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है सर। जी, यहाँ पर मुख्य रूप से नेत्रदान समिति, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसकी स्थापना मूल रूप से मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क चिकित्सा के लिए ट्रस्ट जाना जाता है ना, और साल में एक बार ये कैंप करती है। अब तो कई सुविधा कई जगह उपलब्ध हो गई, एक जमाने में ये एकमात्र संस्था हुआ करती थी, और यहाँ सब कुछ निःशुल्क होता है, खाना पीना रहना घर से फ्री में मिलता है, और यहाँ से जाने आने का भाड़ा तक भी दिया जाता है जिस समय वो ऑपरेशन के लिए आते हैं। थैंक यू सर। क्या कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं? पहले तो आप लोग का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमने नेत्रदान समिति के लिए दिया। नेत्रदान समिति पिछले 50 वर्ष की संस्था है, जो कि आंखों का या मुख में लेंस, पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था, अब लेंस प्रत्यारोपण होता है। लेकिन पिछले 10-15 वर्ष से यहाँ स्वास्थ्य का शिविर भी लग रहा है, निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर, अभी जैसा कि हमारे डॉक्टर अंकल ने बताया भी कि यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पटना के बाहर के लगभग 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर लोग आते हैं, जो रिप्यूटेड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है मुफ्त में, मुफ्त उनको दवा वितरण किया जाता है, साथ ही साथ बहुत तरह का जांच भी किया जाता है, जैसे ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आँखों का जाँच हो गया, और भी तरह तरह की जो सुविधा है उतना जाँच हम लोग करवाते हैं, और हमारे नेत्रदान समिति की जो भी कार्यकारिणी का जो भी है उन लोग का सहयोग रहता है। बगल में बैठे हुए हैं रेखा जी, दयानंद आज जी, इन लोग का सहयोग रहता हुआ हम लोग अभी करते आ रहे हैं। आएंगे? हाँ बहुत सा अभी जैसा कि डॉक्टर साहब बताया है कि हम उस पर्ची पर आवे गए, अभी आप सुने भी होंगे, उनको फ्री सेवा करेंगे, उनको फ्री में ECG भी जाँच करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। हमारे डॉक्टर BP सिंह ने बताया ये एक ECG जांच में कितना समय लगता है, कितना कॉस्ट पड़ता है, फ्री में उसी पर्ची में करेंगे। और दूसरा बात, जिसका आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन लिखे डॉक्टर, उसको छठ के बाद हम लोग उसको ऑपरेशन भी फ्री में करवाएंगे। तो क्या सर केवल डॉक्टर BP सर ने यह बताया कि हम निःशुल्क में करेंगे या और कोई बताया? नेत्रदान के नाम पर कोई भी जाएंगे सबको फ्री में, सारे डॉक्टर के सारे। सर जो आपका लिस्ट आया था उसमें बाहर के कई सम्मानित डॉक्टर का नाम था सर, लेकिन उनमें कुछ ही देखे जा रहे हैं सर। अभी सियाराम बाबू आ रहे हैं, अभी भी फोन आए, रास्ते में है, उनका आदमी यहाँ काम कर रहा है, दवाई वितरण कर रहा है। जी सर। और हमारे डॉक्टर अरुण शर्मा जी भी है। जी सर, बगल में भी अपना पूरा समय दिए। बिल्कुल। और कौन कौन से बाहर के डॉक्टर अभी यहाँ पर? सियाराम सिंह अभी आ रहा है। ही गरीबों एवं निसहाय लोगों के लिए ही बना है,
और उनको आज तक जितना भी यहाँ लगभग 10,000 यहाँ कैटरेट का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन कभी किसी से एक रुपया नहीं लिया गया है। उनको रहना सब खाना, पहले तो हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, सर जानते ही हैं, यहाँ 70 दिन मरीज को रखा जाता था जी। और उनको सेवा, इन लोग फाउंडर मेम्बर में से है बिल्कुल, इन लोग हमसे ज़्यादा बता रहे हैं। उसमें मंकू रॉन यहाँ लगातार कितने वर्षों तक ऑपरेशन कर किए हैं, भवानी माली का तो बहुत उम्र हो गया, नगेंद्र जी आया है, फौजी जी आया है, नवीन कुमार आते हैं, उनकी पूरी टीम आए हुए हैं। शिविर लगाते हैं हाँ। पहले डॉक्टर डॉक्टर मंजू राम जी आते थे, करीब 25 साल लगातार हुआ है, और 7 दिन उसी को उस रोगियों को रखा जाता था। अब तो एम्बुलेंस लगने लगा, और गरीब ज़्यादातर हमारा ध्यान था गरीब लोगों को ही लेंस लगाया जाए, करीब 10 वर्ष से लेंस लग रहा है कंटिन्यू, और हर साल हम स्वास्थ्य शिविर भी लगाते हैं जिसमें गरीबों को भलाई भलाई हो। ज़्यादातर ध्यान रहता है कि लोग गरीब लोग आते हैं उनको पहले, अगले साल तो हम बहुत दवाई बांटे थे, बहुत दवाई भी दिए थे, लेकिन इस साल दवाई का खास अभाव हो गया। लिस्ट में बहुत बार के सम्मानित डॉक्टर का नाम देखा गया था हाँ। लेकिन पहुँचे बहुत कम डॉक्टर, क्या सब बिजी शेड्यूल के कारण नहीं आ पाए, मतलब जन भावना के लिए समय नहीं निकल पाए, जन सेवा के लिए ना, गरीब के सेवा के लिए समय नहीं मिला, ऐसी उसी यहाँ नहीं लगा हुआ, इसीलिए नहीं आया क्या? पता नहीं सर क्यों नहीं आए, हमको नहीं क्या, लेकिन सब करीब करीब आगरा डॉक्टर बीपी सिंह जैसे सामने सर बैठे हुए, अंजेश सर जैसे बहुत सीनियर डॉक्टर आए, बिल्कुल आए हुए, बहुत लोग आए, लेकिन बहुत लोग नहीं भी आए ना। ठीक है, कितना देर से बैठे हो? सुबह से बैठे हो? अच्छा, हम पता करके बताते हैं।